थॉमस अल्वा एडिसन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो कि बिजली का बल्ब निर्माण करने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, जब उन्होंने बल्ब का निर्माण किया, उसका परीक्षण करने के लिए अपने ऑफिस के एक छात्र को बुलाए और उनके हाथ में बल्ब दिया। वो कर्मचारी बड़ा घबराया हुआ था और उसके हाथ हिलने लगा और बल्ब नीचे गिर गया, फूट गया। एडिसन बड़े दुखी हुए, दो दिन और लगाए, नया बल्ब बनाया, फिर उसी कर्मचारी के हाथ में बल्ब दिया और इस बार सफलतापूर्वक उसने सही स्थान पर बल्ब को लगा दिया। बाकी आसपास खड़े हुए दूसरे कर्मचारी अल्वा एडिसन को देखकर कहने लगे कि सर, जब एक बार वो इतनी बड़ी गलती कर बैठा था और उसके हाथ से ये बल्ब नीचे गिर चुका था और फूट चुका था, फिर आपने उसी के हाथ में ये बल्ब फिर देने का दुस्साहस कैसे किया? एडिसन ने बड़ा श्रेष्ठ उत्तर दिया, कहा कि देखो, अगर उसके हाथ से बल्ब फूट जाए तो उस बल्ब को पुनर्निर्माण करने के लिए मुझे दो दिन भी नहीं लगता, लेकिन अगर वो बल्ब फूटने के पश्चात मैं उसको पुनः बल्ब न दूं तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और वो आत्मविश्वास को पुनर्निर्माण करना 10 साल में भी संभव नहीं। इसलिए हो सकता है हमारे जीवन में धन का नाश हो, संपत्ति का नाश हो, मान का नाश हो, सम्मान का नाश हो, प्रतिष्ठा का नाश हो, लेकिन इन सभी नाशों की तुलना में हमारे आत्मविश्वास और आशा का नाश सर्वनाश है। ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्तन्त यथा तमोरवे। जब वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने हथेलियों में उठाया, तब श्री कृष्ण के प्रभाव से उसके हाथ के और पैर की बेड़ियां कट गईं, द्वार खुल गए और वसुदेव जी यमुना पार करके सीधा पहुंच गए गोकुल। आइए हम अपने जीवन में दूसरों के साथ इस प्रकार आदान प्रदान करें कि भले वो गलती भी करें तो उस गलती के साथ हमें इस तरह व्यवहार करना चाहिए जिससे कि भले जो गलती हुई हो उसके कारण कोई नाश हुआ हो, लेकिन सबसे अधिक ध्यान में रखना है कि उस व्यक्ति के आत्मविश्वास का नाश नहीं होना चाहिए, और यदि वो आत्मविश्वास का नाश हो गया तो वो वास्तव में सर्वनाश है।